हेलो गाइस, आई एम आशीष सेन और आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, बिकॉज इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 शूज जो आपके पास होने ही होने चाहिए, एटलीस्ट उनमें से 3 तो आपके पास होने ही चाहिए जो हर आउटफिट के साथ जाए, आपकी कोई भी आउटफिट हो उसके साथ बढ़िया मैच करे। और साथ साथ तुम कोई भी आउटफिट पहनोगे तो तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा शूज पहनना है या फिर कौन से टाइप का पहनना है। इस वीडियो में तुम्हें इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पूरे लुक में ओनली शूज पे सबसे पहला फोकस पड़ता है, मतलब कोई भी आपको देखता तो शू आपके पहले दिखते हैं, पहले नजर आते हैं, तो इंप्रेशन जो है वो शूज का पड़ता है। तो वही अच्छे होने चाहिए, वही बेस्ट होने चाहिए और शूज का सेंस जो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है वो शूज जानते हैं। तो गाइस, हमारा सबसे पहला शूज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इस लिस्ट में, जो कि है व्हाइट स्नीकर्स। यस गाइस, प्लेन व्हाइट स्नीकर्स इज ऑलवेज गुड, बिकॉज किसी भी आउटफिट के साथ, हर आउटफिट के साथ ये बेस्ट जाता है, चाहे बैगी हो, फॉर्मल हो, सेमी फॉर्मल हो, यहां तक कि सूट्स के साथ भी आप पहन सकते हैं अगर थोड़ा सा आपको कूल लगना है। तो इसका मतलब व्हाइट स्नीकर्स बेस्ट होते हैं ऑलवेज, ये आपके पास मस्ट होने ही चाहिए, चाहे कोई चीज हो ना हो, कोई शू हो ना हो, ये होना चाहिए, ताकि आपको कहीं पे भी जाने से पहले ये सोचना ना पड़े कौन सा शू पहने, ऑप्शन पहला यही निकल गया था। तो व्हाइट स्नीकर्स आपके पास होने चाहिए। अच्छा, आपने ये जान लिया व्हाइट स्नीकर्स होने चाहिए, लेकिन व्हाइट स्नीकर कौन से होने चाहिए, उनमें कोई भी प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी ज्यादा लोगो या फिर बकल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, फिर और कलर एडेड नहीं होना चाहिए, प्लेन व्हाइट होना चाहिए, ताकि आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सको और साथ ही साथ जो है फॉर्मल वेयर में भी आप पहन सको, इसलिए प्लेन होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शू है हमारा चेल्सी बूट। यस गाइस, चेल्सी बूट्स आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज ये जो है सबसे ज्यादा सेक्सी एंड हॉट लगते हैं, और आप कहीं भी पहन के जाओगे तो सेक्सी और हॉट लगने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। कोई भी जीन्स हो उसके साथ अच्छा लगता है, साथ ही साथ फॉर्मल में भी आप पहन सकते हो, कैजुअल में भी आप पहन सकते हो, इसीलिए ये शू आपके पास होना जरूरी है। ये होना चाहिए ब्राउन और ब्लैक में, ताकि आपके पास ऑप्शन ज्यादा ना रहे या फिर आपकी कोई भी आउटफिट के साथ ये मैच कर पाए, इसलिए ब्लैक और ब्राउन ही होने चाहिए, ज्यादा कलरफुल ना लें इसके अंदर। और चेल्सी बूट जो है बहुत अमेजिंग लगते हैं गाइस, कहीं पे भी जाओगे तो इंप्रेशन तो बहुत अमेजिंग पड़ने वाला, और आपको टॉलर भी दिखाता है, तो इसीलिए चेल्सी बूट होने ही होने चाहिए आपके पास। हमारा थर्ड नंबर का शूज है कलर ब्लॉक्ड या फिर कैजुअल स्नीकर्स, जो कि चंकी भी हो तो चलेगा, बहुत अमेजिंग लगते हैं गाइज ये किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जाएंगे, फॉर्मल के साथ नहीं जा सकते, लेकिन कैजुअल में अच्छे लगेंगे, बैगी में भी अच्छे लगेंगे, स्ट्रीट स्टाइल जो है उसमें भी अच्छे लगेंगे, मतलब ये सभी में अच्छे लगेंगे रादर देन फॉर्मल। फॉर्मल में अच्छे नहीं लगते, बिकॉज ये थोड़ा सा कूल में आ जाता है, तो कूल लगना है ना आपको कहीं में भी, तो डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो तुम लोग, तो ये जरूर ट्राई करो। और ये होने चाहिए कलर ब्लॉक, ताकि आप जो है इनके अंदर कोई भी आउटफिट हो उसके अंदर पहन सकते हो इनको, और आपको चूज नहीं करना पड़ेगा कि यार ये कलर के साथ कौन सा पहने कौन सा नहीं, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस इनमें काफी अच्छा लगता है और बैगी आउटफिट के साथ बहुत अच्छा जाता है ये। तो गाइज, इन शूज को भी जरूर जरूर ट्राई करना, और आपके पास ये होने चाहिए। हमारा फोर्थ नंबर का शूज है जो कि फॉर्मल शूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके पास कम से कम एक फॉर्मल शूज जरूर होना चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी जाओगे फॉर्मल आउटफिट पहन के और आप अच्छे ही लगने वाले हो, मतलब फॉर्मल आउटफिट की कई बार जरूरत पड़ जाती है हमें, ऑफिस में हो या फिर कहीं पे भी हम जा रहे हैं जहां पे फंक्शन हो वहां पे फॉर्मल आउटफिट पहनना है, तो एक फॉर्मल शू होना ही चाहिए गाइस। फॉर्मल शूज में भी बहुत सारी वेराइटीज आती है, लाइक ज्यादा फॉर्मल अगर आपको चाहिए तो वो है डर्बी एंड ऑक्सफोर्ड, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्मल लगते हैं, सूट के साथ अच्छे लगते हैं, कोई भी फॉर्मल आउटफिट पहनो उनके साथ अच्छे लगते हैं, कैजुअल के साथ उतने अच्छे नहीं लगते लेकिन फॉर्मल के साथ अच्छे लगते हैं, तो डर्बी एंड ऑक्सफोर्ड जो है वो ज्यादा फॉर्मल होते हैं तो अच्छे लगते हैं ये। और अगर आपको सेमी फॉर्मल चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं ब्रॉक्स को, ये बहुत अच्छे हैं, या फिर डबल मॉन्क स्ट्रैप भी बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ये दोनों ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अमेजिंग लगते हैं अगर आप सेमी फॉर्मल चाहिए तो, आपको ये बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे ब्रॉक्स जो है उसके अंदर छोटी छोटी जो होल्स हैं वो भी होते हैं, डिटेल्स होती हैं, तो और भी अच्छे लगते हैं, लाइक प्रिंट होती है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये अच्छे लगते हैं सेमी फॉर्मल आउटफिट के साथ, तो ये ट्राई कर सकते हैं, ये शू होने चाहिए आपके पास। तो आपको ज्यादा फॉर्मल चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं डर्बी एंड ऑक्सफोर्ड, और अगर आपको सेमी फॉर्मल चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं ब्रॉक्स एंड डबल मॉन्क स्ट्रैप, तो कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, इन दोनों में से कोई भी हो आपके पास एक शूज होने ही चाहिए, ताकि आप अच्छे लग सको, फॉर्मल बन सको थोड़ा कहीं भी जाओ तो गाइस प्लीज ट्राई करना। तो आज का हमारा लास्ट शू है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
चौकी है लोफर्स। यस गाइस, लोफर्स सबके पास होता है और अक्सर आपके पास होना ही चाहिए बिकॉज ये कैजुअल है। कैजुअल शू आपके पास होने चाहिए बिकॉज आप कहीं पे भी जाओगे तो पहन सकते हो और कोई भी ड्रेस हो, कोई भी आउटफिट हो, ये अच्छे ही लगने वाले हैं। और लोफर्स कैसे होने चाहिए, ज्यादा ओवर डिजाइन ना हो लोफर्स में, फिर ज्यादा कलर्स ना हो, आप हमेशा ब्लैक एंड ब्राउन ही ट्राई करें ताकि आप किसी भी आउटफिट के साथ मैच करके पहन सको। अलग अलग कलर्स ट्राई करोगे तो आई थिंक आपके पास ऑप्शन कम रहेगा उनको पहनने का, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दो कलर्स में ट्राई करो, ब्राउन और ब्लैक में। और गाइस आपके पास ये होने ही चाहिए। तो गाइस ये हैं हमारे शूज और मैंने आपको बता भी दिया कौन कौन सी आउटफिट के साथ आप पहन सकते हो कौन सा शूज, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि ये शू आपके पास होने ही चाहिए। जितने मैंने बताए हैं उनमें से आप तीन भी कोई भी सिलेक्ट कर लोगे तो भी अच्छा है, पांच नहीं रखना चाहते तो तीन तो कम से कम रख सकते हो उनमें से, ताकि आप कहीं पर भी जाओगे तो अच्छे लगोगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू गाइस।